नवी मुंबई के डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तुरवे पुलिस थाने के एक अधिकारी अनिल चौहान ने बताया कि आग शाम 7:30 बजे लगी। दमकल के 7 गाड़ियां मौके पर है, आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई से शुक्रवार की देर शाम को भीषण आग की खबर सामने आई। बता दें कि नवी मुंबई के डंपिंग यार्ड में भीषण आग लग गई, जिसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही है। हालांकि आग किस वजह से लगी अभी तक इसका पता नहीं चला है। डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक डंपिंग यार्ड में आग करीब 7:30 बजे लगी है, जिसके तत्काल बाद दमकल के 7 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई है। तुरवे पुलिस थाने के एक अधिकारी अनिल चौहान ने बताया कि आग शाम 7:30 बजे लगी। दमकल के 7 गाड़ियां मौके पर है, आग पर काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। इससे पहले मुंबई के धारावी जुग्गी बस्ती में स्थित अशोक मिल परिसर में बुधवार को भीषण आग लगी थी। इस हादसे में 62 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई थी। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया था कि अशोक मिल परिसर में स्थित 4-5 कपड़ा इकाइयां आग से प्रभावित हुई है। कपड़ा इकाइयों में यह भीषण आग दोपहर में लगी थी। उन्होंने कहा था कि आग बिजली के तारों, बिजली के प्रतिष्ठानों, मशीनरी और परिधान इकाइयों में कपड़ों तक ही सीमित थी।